खबर शामिल करते हैं बाडा रिपोर्ट। वसीम रजा, बाडा को तहसील का दर्जा दिलवाने के लिए शहरियों की जानिब से जारी जद्दोजहद के हवाले से इतवार को बाडा तालुका मूवमेंट की जानिब से डिप्टी कन्वेनरान जैब अली सारियो और कामरेड कादिर बरोही की रहनुमाई में बाडा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात दो दो देशी अनवर अस्करी, असगर अली सारियो, निजाम कोलाची, अमीन सियाल, अली रजा नोनारी, नवी रजा बलोच, जी एम चंजनी, मोर सिंधी, मजहर नौशाद फलपोटो, मोहम्मद हाशिम मदनी सोमरो, काशिफ जोनी जो, शाहमीर कोपांग, साहब खान सोमरो, औरंगजेब सोमरो, अब्दुल रहमान पप्पन नोनारी, मास्टर हैदर अली सोनो सारियो और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि बाडा शहर आबादी व इराजी समेत कारोबारी लिहाज से लाड़काना का वाहिद दूसरा नंबर शहर और तहसील का दर्जा मिलने का हकदार है, लेकिन सियासी पंडितों ने अपने जाति व सियासी मफादात की खातिर बाडा शहर को अपने जायज व बुनियादी हक से महरूम रखा है। नतीजे में बाडा के मकीन बुनियादी सहूलियात मैसर न होने पर इंतहाई कमतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। शहर में सेहत, तालीम, स्ट्रीट लाइट, सेवरेज वाटर की निकासी, ट्रांसपोर्ट, बेहतर मवासलाती निजाम, बाईपास, स्टेडियम समेत तमाम बुनियादी सहूलतों का फुकदान होने के नतीजे में बाशिंदे बाडा शहर को छोड़कर बड़े शहरों की तरफ नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इन्होंने कहा कि बाडा शहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और बेगम नुसरत भुट्टो का हल्का इंतखाब रहा है, लेकिन इनके जाने के बाद तमाम मुंतखब नुमाइंदगान ने बाडा शहर के अवाम को सब्ज ख्वाब दिखाकर इनका वोट तो हासिल किया है, लेकिन मकीनों को हमेशा बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा है। इन्होंने कहा कि अब बाडा के अवाम अपने जायज हुकूक के लिए बेदार हो चुके हैं और हर हाल में बाडा को तहसील का दर्जा दिलवा के रहेंगे और बाडा तालुका मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पर 2.5 साल जद्दोजहद से कभी भी दस्तबरदार नहीं होंगे। इन्होंने पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से पुरजोर मुतालबा किया है कि बाडा तहसील का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी करके शहरियों में फैली हुई बेचैनी खत्म की जाए, बसूरत दीगर एहतजाज तादम मर्ग जारी रखेगा।